स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी सी फिल्म जिसमें हमें बताया गया है कि पैसा और प्यार क्या होता है और मतलब पैसे की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है प्यार से। ओके, तो फिल्म की शुरुआत में हम लू को देखते हैं जो एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है और आज प्लेन से उतरते ही ये अपनी फ्रेंड को ट्रीट देने जा रही होती है क्योंकि आज इसका लास्ट डे था काम पर। आज ये काम छोड़ रही है क्योंकि जल्द ही इसकी शादी होने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और शादी के बाद काम करने की क्या ही ज़रूरत है इसको, ऐसा मेरा नहीं उसका मानना होता है। लू फिर यहाँ से बाहर जाती है अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती करती, खाते पीते, शॉपिंग करते बहुत देर तक और बाहर आते हुए इसको रोड पर एक मैरिज हॉल दिख जाता है जिसके ऊपर जो दूल्हे का नाम होता है वो इसके बॉयफ्रेंड का नाम ही होता है। अब इसको थोड़ा अजीब लगता है, ये अंदर जाती है हॉल के अंदर चेक करने के लिए और दूल्हा कोई और नहीं बल्कि इसका फ्यूचर हस्बैंड ही होता है। बेचारे का दिल टूट जाता है और नौकरी भी नहीं रही और बॉयफ्रेंड भी चला गया, बहुत दुख होता है। ये भागने लग जाती है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है इसको पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मैंने शादी इस लड़की से इसलिए कर ली क्योंकि मुझे उसकी मतलब प्रॉपर्टी, धन दौलत सारी चीज़ें चाहिए थी, मुझे अमीर होना था। मतलब साफ साफ बात है कि पैसे के लिए उसने उससे शादी कर ली और इसको चीट कर दिया। अब ये सुन के लू का दिल और टूट जाता है और बेचारी डिप्रेशन में चली जाती है और कुछ टाइम ऐसे ही बिताती है और एक दिन एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर कूदने जा रही होती है जान देने के लिए। नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई होती है, पुलिस रेस्क्यू सब आगे होते हैं। इन्हीं में एक लड़का आता है, इसका नाम शू होता है और ये जाता है सीधा ऊपर और लू को रोकना चाहता है, काफी कोशिश करता है, मनाता भी है पर लू की लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी होती है। वो नहीं सुनने वाली किसी को कूद जाती है, ये पकड़ने की कोशिश भी करता है बट दोनों इसी बीच नीचे आके गिरते हैं बट नीचे रेस्क्यू वालों ने पहले से इंतजाम करके रखा था तो बच जाते हैं दोनों। अब शू इसके पीछे पूरे दिन घूमता रहता है सेम वैसे ही क्योंकि इसको लगता है कि ये फिर से ना कहीं कोशिश करे वैसा ही जो भी थोड़ी देर पहले कर रही थी और इसको ये रोड पर बचाता है गाड़ियों से। अब लू इतना कुछ देखती है कि मेरे लिए लड़का कर रहा है तो इसको अगले दिन अपने कैफे में बुलाती है। अगली सुबह लू के कैफे में आ जाता है शू और इसका पोर्ट्रेट देता है इसको और कहता है सॉरी। ये कहती है क्यों और ये बताता है कि कुछ महीने पहले जब तुम अपने काम से जा रही थी तो मैं भी कार में बैठ के कहीं जा रहा था और उस दिन मैं अपनी कार से तुम्हें उड़ा ही देता, ऑलमोस्ट तुम बच गई थी। लू कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी उस गलती से ये तुमने जो मेरे को बचाया है ये काफ़ी बड़ी बात है। और दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं काफ़ी देर तक। शू बताता है कि मैं बहुत ही गरीब आर्टिस्ट हूँ, एक मतलब मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, ड्राइंग पेंटिंग्स। और शाम को ये फिर से कैफे में आता है और अपनी पेंटिंग को यहाँ पर लगा हुआ देखकर बहुत खुश होता है जो कि इसने सुबह सुबह लू को दिया था। लू इसे खाना दे रही होती है तभी इतने में कुछ नशेड़ी गुंडे आ जाते हैं यहाँ पर जो कि इन लोगों से बदतमीजी करने लग जाते हैं और फाइट हो जाती है। फाइट के बाद शू इन्हें मारता पीटता है और बाद में यहाँ से दोनों जाकर बाहर मिलते हैं, बातें करते हैं और इनकी नज़दीकी अब ऐसी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आज वो रात आई जाती है फाइनली जब शू इससे इसका नंबर मांगता है। पेपर नहीं होता तो ये हाथ पर लिखकर इसको अपना नंबर देती है पर आज बारिश बहुत तेज हो रही थी तो इस वजह से भागते हुए घर की तरफ इसका हाथ जो है पानी से धुल जाता है तो नंबर मिट जाता है। और एक दिन शू ने अपना गैलरी एग्जीबिशन रखा होता है मतलब अपनी पेंटिंग्स को दिखाने के लिए, वो कैंसिल हो जाता है उस ओनर के द्वारा जिसकी वो गैलरी थी। ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है, इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए भी, तो लू इसकी मजबूरी को समझती है और इसको कहती है कि मैं तुम्हें अपने कैफे में नौकरी ऑफर करती हूँ और ये मान जाता है और कहता है कि मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं तुम्हें डिनर करवाने लेकर चलूँगा। ये मजाक में कहती है कि मुझे तो फ्रेंच फूड खाना है। अब ये सुन के शू की नज़रें झुक जाती है क्योंकि फ्रेंच फूड बहुत ज़्यादा महंगा आता है और इस पे नूडल खाने के भी पैसे नहीं होते भाई। तो अब बस पैसे कमाने हैं इसको तो ये अपने फ्रेंड से मिलता है जो कि इसको वाइल्ड रेसिंग के बारे में बताता है। वाइल्ड रेसिंग मतलब एक तरह का रोड पे रेस करते हैं लोग अपनी जान की बिना परवाह किए और यहाँ पर होता है लियन नाम का एक लड़का जो कि रेस करता है और दोनों की यहाँ पर रेस होती है और किस्मत अच्छी थी शू की, वो जीत जाता है और इसको $14,000 विनिंग प्राइस दिया जाता है पर ये $140 ही लेता है उसमें से, बाकी सब उनको देकर कहता है खुद में बांट लो। और उस $140 से ये लू को महंगे से फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाता है और फूड तो भाई ऐसे ऑर्डर कर रहा होता है मतलब प्रोफेशनल हो बिल्कुल खाने में ये, और सभी फूड के जो नाम होते बिल्कुल अच्छे से ले रहा होता है। अब लू सोचती है कि इस गरीब आदमी को ये नाम कैसे पता और इतने सारे फूड्स के बारे में कैसे पता, इसको थोड़ा अजीब लगता है। ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो ये कहता है कि मैंने इंटरनेट से पढ़ा था। वो भाई से यहाँ पर ये पूछ के उसकी बेइज्जती कर दी यार, कसम से बता रहा हूँ। अब शू इसकी काफ़ी केयर वेयर भी कर रहा होता है ना, तो ये कहती है कि तुम मेरे बिल्कुल फादर जैसे हो, पर वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका इलाज चल रहा हो, काफ़ी बीमार रहते हैं। और यही बातों के बीच में एक वेटर केक लेकर आ जाता है, ये दोनों केक को कट करते हैं, उसमें से एक रिंग निकल कर आती है। हालांकि ये केक इनका नहीं था, बगल वाली टेबल का था, तो उसका जो ओनर होता है केक का असली वो चिल्ला रहा होता है और ये दोनों इतने में यहाँ से भाग जाते हैं और ये अपनी फर्स्ट डेट को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। और रास्ते में जाते हुए लू को एक शॉप पर वेडिंग रिंग दिखाई देती है, ये जिसको देखती है और शू इसको देख रहा होता है। इसके चले जाने के बाद शू चुपके से यहाँ पर आता है और उस रिंग का प्राइस देखता है,
फिर भाई साहब पहुंच जाता है अगले दिन वही रेसिंग करने के लिए, क्योंकि उसको पैसे कमाने। बट इस बार जो लियन होता है वो रेसर, वो कहता है कि देख डील ऐसी है कि जो हारा वो नंगा होकर घर जाएगा भाई पूरे कपड़े उतार कर। और सू एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अगर ये नहीं करेगा एक्सेप्ट तो लियान जो रेसर है वो लू का कैफे बर्बाद कर देगा, ऐसी इसने धमकी दी होती है। फिर यहाँ पर रेस शुरू होती है और न जाने कहाँ से लू बीच में आ जाती है ट्रैक के और गाड़ी रोकनी पड़ती है लू को, तो ये हार जाता है और शर्त के मुताबिक बेचारे को नंगा होकर कैफे तक आना पड़ता है। लू इस पर बहुत गुस्सा हो रही होती है, इसको कपड़े ऑफर करती है और गिल्ट में भी होती है और कहती है कि तुमने मतलब रेस के जीते हुए जुए के पैसे से मुझे कल रात को डिनर करवाया था। अब सू इसे मनाने की कोशिश करता है, फिर अपने घर पे लेकर जाता है, रूम में दिखाता है, वहाँ पर इसकी बहुत सारी इसने पेंटिंग्स बनाकर रखी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है देखकर इस बात को। एक दिन लू का एक्स बॉयफ्रेंड, हाँ वही लालची वाला आदमी, इसको मिलने के लिए बुलाता है और एक मैगजीन दिखाता है जिसमें शू की फ़ोटो छपी होती है और बताया जा रहा होता है कि शू चाइना की सबसे बड़ी जो CEO है उसका बेटा है। लू कुछ कहती नहीं है, इसको कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। इसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, मैंने भी एक लड़की से पैसे के लिए शादी की है और तू भी एक अमीर से लड़के को पैसे के लिए फंसाकर घुमा रही है उसको, ऐसा कुछ बोलता है उसको। ये सुनकर लू और दुखी होती है और जाती है गैलरी ओनर के पास और शू के लिए एक गैलरी एग्जीबिशन रखने को कहती है और ओनर मान भी जाता है और शू बहुत खुश होता है और गैलरी एग्जीबिशन रखा जाता है। पर उस दिन यार कोई आता नहीं इसकी गैलरी एग्जीबिशन में, क्योंकि इसको कोई जानता नहीं है ना, पॉपुलर नहीं है, तो कोई नहीं आता वहाँ पर। और एंड टाइम में गैलरी ओनर बताता है कि कोई तुम्हारी सारी पेंटिंग को खरीदना चाहता है, पर ये बेचने से मना कर देता है, कहता है कि ये मेरी पेंटिंग नहीं बल्कि मेमोरीज है जो कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई है, यानी कि लू के लिए, क्योंकि वो सारी फोटो लू की ही होती है। अब कुछ दिन बाद सू लू को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और उसे वही रिंग देता है जो इन्होंने शॉप में देखी थी। लू पहले तो खुश होती है फिर बाद में दुखी हो जाती है, कहती है कि तुमने मेरी फ़ोटोज़ को अपनी मेमोरीज़ को बेच दिया इस रिंग के लिए, और गुस्सा होती है इस पर और कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि तुम जैसा गरीब आदमी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है और एक आदमी चाहिए मुझे अमीर जिससे मैं शादी कर सकूं जो कि मेरे पिता का जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है उसको उठा सके, और मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जा रही हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो। मैं गरीब हूँ उस टाइम। ओके, अब भाई इसके बाद तो इसका दिल ही टूट जाता है कि किसी भी लड़के का टूट ही जाना है, और वो भाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास नहीं गई होती है बल्कि वो शू की मोम से मिलने जाती है। सू की मोम बहुत ज़्यादा रिच है, वो चाइना की रिचेस्ट पर्सन में आती है और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे पर जो है पेंटर बनने का भूत सवार हो गया, मतलब वो अपने घर के बिजनेस को छोड़कर पेंटर बना घूम रहा है, तो तुम उससे प्यार करो, अपने प्यार में गिराओ और फिर उसको धोखा दे दो, गरीब बोल कर देना, हाँ गरीब सबसे मेन वर्ड था यहाँ पर, और ताकि मेरे बेटे का दिल टूटे और उसे पता चले पैसे की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, गरीब को कोई कुछ नहीं कहता है और अमीर के साथ कितना ज़्यादा मतलब लोग रहना पसंद करते हैं, इस तरह का कुछ। ओके, और वो आए और अमीरों की ज़िंदगी जी, अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाए, ये सारी बातें उसको बताती है और लू शुरू से यही कर रही थी, मतलब वो उसके साथ जस्ट खेल रही थी। ओके, मिशन तो पूरा हो गया होता है, हाँ लू को उनने प्यार में फंसाया, गिरा दिया, दिल विल तोड़ दिया गरीब बोल के, सब कुछ पक्का हो गया, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लू को अब उससे सच्चा वाला प्यार हो गया होता है, तो दिन भर दुखी सैड यहाँ वहाँ रोती फिरती रहती है, बैठी रहती है, कुछ करती रहती है, क्योंकि आज तक इसके जितने भी बॉयफ्रेंड बने थे उनमें से सबसे ज़्यादा लॉयल यही था, वैसा बताती है हमें। और शू बेचारा यहाँ पर गरीब वर्ड सुनकर ना भाई उसका दिल विल टूट गया होता बिल्कुल, वो अपने घर आता है और अपनी मम्मी से सॉरी वोरी बोलता है और अमीर बन जाता है, अपनी फैमिली का बिजनेस संभालने लग जाता है और कंपनी का फिर इसको CEO बना दिया जाता है, और तो अपनी पेंटिंग की गैलरी भी रखवाता है वहाँ पर, बड़े बड़े अमीर अमीर लोग भी आते हैं इस बार, क्योंकि इस बार ये पॉपुलर है, सब जानते हैं ना इसको, जैसे कि वहाँ तो गरीब था तो कोई नहीं आता बट ये अमीर है तो सब आए हैं देखने के लिए ऐसा कुछ। ओके, बट यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा प्राइस में ये सारी पेंटिंग्स बेच दो। इसकी मोम कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं बेच सकते, ये हमारे बेटे की मेमोरीज है। और शू का तो भाई दिल टूटा होता है उस लड़की से, बहुत गुस्सा है, वो कहता है बेच दो आधे प्राइस में, कम प्राइस में, जो मिल रहा है बेच दो उसमें। और एक दिन इनको तभी ऑफर आ जाता है, एक पर्सन है जो कि इसकी पेंटिंग्स को $2 million में खरीदने वाला है, तो शू सोचता है कि इतना रिच बायर है तो ये खुद मिलने के लिए उससे यूरोप जाता है, और बायर कोई और नहीं बल्कि लू होती है। तो शू इसको देख के गुस्सा हो जाता है, अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल देता है, इसकी खूब बेइज्जती वेज्जती करता है मतलब, और यहाँ से चला जाता है। ये बेचारी रो रही होती है, कुछ बोलती नहीं है, और जब इसको रोकने जा रही होती रास्ते में तो ये कार में बैठकर आगे जा चुका होता है, ये रोड पर भागती है और इतने में इसको एक चोर पकड़ लेता है, इसे छीनने की कोशिश करता है सामान और फिर इसको चाकू मार के भाग जाता है यहाँ से। घायल होकर भी ये रोड पर यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है शू को, शू का दिल बदल जाता है, वो कार लेकर वापस उसके अपार्टमेंट में आता है और देखता है तो लू यहाँ पर नहीं होती है। उसको रोड पर ढूंढने के लिए जाता है और अच्छा आना को उसके कार के सामने आती है और ये उसको उड़ा देता है और वो जाकर सीधा पानी में गिरती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसको जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया होता है, और फिल्म के एंड में हम देखते हैं सू को जो अपना CEO और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अमीरी वाली सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मम्मी के पास ही और वापस लू के पास चला जाता है, वैसे ही जैसे वो पेंटर था उसी मतलब गरीबी वाली हालत में।
क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। लू उस दिन पानी में गिर के एक्सीडेंट होने के बाद बच गई थी। ओके, तो फिल्म में बस इतना ही था। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।